वेलकम टू टुडेज वीडियो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होप यू डूइंग गुड गाइज. आई एम बैक विद अनदर हॉल वीडियो और आज का वीडियो मिंट्रा कुर्ती सेट पार्टी वेयर हॉल है. मैं अभी कुछ टाइम से पार्टी वेयर हॉल अपने चैनल पे कर रही हूँ एंड उसके साथ साथ मैं विंटर वेयर हॉल भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि विंटर्स चल रही है एंड पार्टीज भी चल रही है. गाइज मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके साथ विंटर वेयर भी शेयर करूँ, पार्टी वेयर भी शेयर करूँ एंड विंटर्स खत्म होने से पहले मैं अच्छे अच्छे स्वेटर्स एंड जैकेट आपके साथ शेयर कर पाऊँ एंड पार्टी वेयर भी मैं अच्छे अच्छे आपके साथ शेयर कर पाऊँ एंड दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलूँ. सो आज का वीडियो पार्टी वेयर हॉल होने वाला है जो कि मैंने मिंत्रा से परचेज की है. सो आज मैं आपके साथ कुर्ती सेट शेयर करने वाली हूँ. लास्ट मैं लहंगा चोली कर चुकी हूँ एंड एक विंटर पार्टी वेयर भी हॉल मैंने आपके साथ शेयर किया जहाँ मैंने सब कुछ मिक्स करके आपको दिखाया, लाइक सूट साड़ी लहंगा वो भी कर चुकी हूँ. सो ये मेरी थर्ड पार्टी वेयर सीजन की है जिसपे मैं आपके साथ कुर्ती सेट शेयर कर रही हूँ. अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और भी ऐसे नई हॉल्स वीडियो देखने के लिए एंड कॉमेंट मुझे जरूर से बताना कि आज के हॉल में आपको कौन सी कुर्ती सेट अच्छी लगी. सारी कुर्तीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ये जैकेट और ये इयररिंग की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो प्लीज वहां चेक कर ले. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स क्विकली जंप इन द वीडियो. माय फर्स्ट आइटम इज दिस रस्ट ऑरेंज एंड रेड सेल्फ डिजाइन कुर्ता विद स्कर्ट एंड दुपट्टा. दिस नील एंड कुर्ता हैज अ राउंड नेक, थ्री क्वार्टर स्लीव, स्ट्रेट हेम, साइड स्लिट के साथ है. कुर्ता फैब्रिक इज लीवा, बॉटम फैब्रिक इज विस्कोस रेयॉन, दुपट्टा फैब्रिक इज पॉली जॉर्जेट. दुपट्टे के चारे कोने पे टैसल बनी हुई है एंड कुर्ती पे आप देख सकते हैं लंबी सी डोरियन टैसल बनी हुई है जो कि बहुत ज्यादा गॉर्जियस लग रही है. कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा ऑसम है. स्लीव्स के साइड में थ्रेडवर्क है, नेकलाइन पे भी डिजाइन बनी हुई है एंड स्कर्ट पूरी प्रिंटेड है. डुअल कलर है, रेड एंड ऑरेंज, तो बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस वो भी लग रही है. इस पर और भी कलर्स ऑप्शन आपको मिलेंगे, वो आप एक बार चेक कर सकते हैं. मुझे मटेरियल बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा पसंद आई, पहनने में बहुत लाइट वेट है एंड अगर आप न्यूली मैरिड हो तो ये कलर आप पे बहुत अच्छी लगेगी. किसी वेडिंग पार्टी में आपको जाना है तो भी बहुत अच्छी लगेगी. सो मैं इसे रिकमेंड करूँगी क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. Why do I feel like I linger? Linger between the words. माई नेक्स्ट आइटम इज दिस ब्लैक एंड मल्टी कलर स्कर्ट. एक्चुअल में ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लाजो लिखी हुई है बट इसलिए मैंने मंगाया भी था इसे, बट मुझे जब रिसीव हुई तो ये प्लाजो नहीं है, ये स्कर्ट है और साइड स्लेट है इस पे, थ्री क्वार्टर स्लीव है, बोट नेक के साथ है. बहुत ही सिंपल कुर्ती है एंड बहुत ही स्टाइलिश है. बोट नेक के आप साइड में देख सकते हो, एक डोरी बनी हुई है जो कि मुझे बहुत स्टाइलिश लगी. ये स्कर्ट इसकी काफ़ी अच्छी मटेरियल है एंड मटेरियल इसकी कॉटन ब्लेंड है. टॉप की मटेरियल भी बहुत अच्छी है, स्कर्ट की भी बहुत अच्छी है और बहुत ही सिंपल कुर्ती है. उसके साथ ये मल्टी कलर की जो स्कर्ट दी हुई है, लाइक गोल्डन बीच एंड ब्लैक कलर की, वो बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रही है. मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई ये एंड सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगी कि साइड स्लिट है इस पर और स्कर्ट का मटेरियल भी बहुत ऑसम है. मुझे पहन के बहुत अच्छी लगी और इस पर आपको और भी कलर्स ऑप्शन मिलेंगे, आप चाहे तो वो चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एंड इसके साथ मैंने ये दुपट्टा मंगाया है और ये भी मिंत्रा से है और ये दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत ऑसम लगी मुझे. सो मैं इसे दुपट्टे के साथ पेयर करके दिखा रही हूँ आपको, दुपट्टे इसके साथ नहीं आती है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मुझे ये सेट बहुत अच्छी लगी. वेडिंग पार्टी के लिए परफेक्ट है. अगर आपके घर पर शादी है या किसी फ्रेंड्स की शादी है, आपको बहुत यू नो हेवी पहनना पसंद नहीं है, बहुत ही सिंपल पहनना है, तो उनके लिए ये परफेक्ट है. नेक्स्ट आइटम इज द सी ग्रीन प्रिंटेड अनारकली कुर्ता विद प्लाजो. मटेरियल इज विस्कोस रेयॉन एंड दिस कुर्ता हैज अ वी नेक, थ्री क्वार्टर स्लीव, फ्लेयर्ड हेम, फ्रंट स्लेट के साथ है. एक्चुअली जैकेट में आप देख सकते हैं पूरी फ्रंट स्लेट है, ये अटैच्ड है जैकेट एंड टू पीस ही कुर्ता सेट है ये, बट लुक वाइज ये थ्री पीस आपको लगेगी. मटेरियल विस्कोस रेयॉन है जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, बट फ्रैंकली मुझे ये उतना वर्थ नहीं लगा. लाइक अगर ये आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिलती है तो आप इसे ज़रूर बाय करें, बट मुझे जितनी डिस्काउंट में मिली है मुझे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी क्योंकि मटेरियल एंड डिज़ाइन मुझे सामने से बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई. माइट भी मैंने कलर सेलेक्शन
सिलेक्शन सही नहीं किया है। इस पर आपको और भी ब्राइट कलर मिलेंगे लाइक रेड एंड एक स्काई ब्लू, तो ये सब कलर्स ऑप्शन भी मिलेंगे, वो आप एक बार चेक कर लें। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर अच्छे ऑफर में मिल रहा है तो आप बाय करें, इस प्राइस में मैं रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि इस प्राइस में आपको इससे बेटर ऑप्शन और भी मिल जाएंगे। माई नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम इज दिस मल्टी कलर्ड प्रिंटेड लेयर्ड ए लाइन कुर्ता ड्रेस, हैज अ मैंडरिन कॉलर, थ्री क्वार्टर स्लीव, फ्लेड हेम एंड फ्रंट स्लेट के साथ में, मटेरियल सिल्क है। एंड जब मुझे ये कुर्ता मैंने देखा मिंत्रा के पेज पे, डिस्क्रिप्शन पढ़ा लेयर्ड कुर्ती, तो मुझे लगा जैसे ये पिक में दिख रही है लाइक लेयर्ड स्कर्ट प्लेन जो दिख रही है उसके साथ आएगी, बट ये प्लेन जो आपको पोर्शन दिख रही है वो मैंने खुद का स्कर्ट वेयर करा है। ये सिर्फ मुझे ये प्रिंटेड कुर्ती रिसीव हुई है, आई डोंट नो लेयर्ड क्यों लिखा हुआ था इस पे। एंड फॉइल प्रिंट्स के साथ है ये, बहुत ही खूबसूरत लगी वेयर करने के बाद। जब मुझे रिसीव हुई मुझे कोई खास पसंद नहीं आई थी, बट पहनने के बाद मुझे काफी अच्छी लगी। एंड प्रिंट्स पे काफी कलरफुल कुर्ती है और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, मटेरियल भी ओके है, बट इसकी फॉइल प्रिंट से मुझे लगता है बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत ही हल्के हाथों से धोनी पड़ेगी। एंड इस पे मैंने पेयर करा है ये ऑरेंज स्कर्ट, मैंने एक लास्ट हॉल बनाया था लहंगा चोली का, तो उसका ऑरेंज स्कर्ट मैंने इस पे वेयर करा है। मुझे ये पहन के बहुत ही ज्यादा पार्टी वेडिंग वाली फीलिंग आई, तो मुझे अच्छी लगी। Let your body go and move to the rhythm. गाइज अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, लाइक कर दो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, बाय गाइज।